आगरा की एक चुनावी रैली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आलू किसानों को लुभाने के लिए वोडका फैक्ट्री बनाने का वादा कर दिया, जिसे लेकर बीजेपी ने अखिलेश पर तंज किया। आने वाले समय में हम समाजवादियों को सेवाएं बेहतर करनी है। बताओ, आलू से वोडका बन सकता है, शराब बन सकती है कि नहीं बन सकती? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आलू किसानों से वादा किया है कि उनकी सरकार आलू से शराब बनाने के लिए वोडका प्लांट लगाएगी। अब हम दूसरे प्रोफेसर पकड़ रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर हैं, और ये अगर एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर इन्हें विधायक बनाओ, आलू के प्रोसेसिंग यूनिट लगाना हो, चाहे हमें वोडका का प्लांट लगाना पड़े, वो हम इसे लगाने का काम करेंगे। अखिलेश ने ये बात आगरा में चुनावी रैली के दौरान कही और अपनी पार्टी के उम्मीदवार से पूछकर कही, जो एग्रीकल्चर के प्रोफेसर हैं। जब अखिलेश को लगा कि किसान वोडका का मतलब नहीं समझ पाए, तो उन्होंने इस अंदाज में समझाने की कोशिश की। हमारे शायद किसान भाई वोडका नहीं समझ पा रहे होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए, या हम दूसरी तरीके से बोले, वो शाम वाली तवा। अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी ने तंज कसते हुए इसकी तुलना राहुल गांधी के आलू से सोना बनाने के पुराने बयान से की। और वहीं पर राहुल जी भी आलू से सोना बना रहे थे, तो आगरा जैसे स्थान पर जाने के बाद अखिलेश जी अगर आलू से वोडका बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आगरा का विशेष स्थान है, वहाँ पर कोई खास कारण से ही कुछ लोग जाते हैं, और मुझे लगता है कि 2017 के ये जो बड़े भाई और दो भाइयों की जोड़ी थी, उनकी मानसिकता वैसी ही हो जाती है। हालांकि वोडका में आलू के प्रयोग की बात वैज्ञानिक रूप से गलत नहीं है, लेकिन चुनावी मौसम में अखिलेश के विरोधी इस बयान को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।